वर्ल्ड न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त मौजूद हूं। हाल के दिनों में देश में सबसे ज्यादा चर्चित सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी की कैद वाली जगह आफ्ताब अमीन पूनावाला की मैं बात कर रही हूं और तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आफ्ताब अंदर कैद है, नार्को टेस्ट उसका पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना बाकी रह गया। और इसलिए आपको ये बता दूं कि अंदर तिहाड़ के इस वक्त पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है आफ्ताब का। और बड़ी वजह ये भी आपको बताऊं कि आफ्ताब की जान को खतरा है अगर उसको बाहर निकाल करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। और यही वजह है कि ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट फिलहाल चल रहा है जिसमें पूछताछ की जाती है, एक तरह से इसे आप इंटरव्यू के तौर पर भी समझ सकते हैं, वो अंदर चल रहा है। एफएसएल की टीम के 4 अधिकारी मौजूद है। इसके अलावा ये पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद है और आफ्ताब के साथ पूछताछ की जा रही है। ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट है, पोस्ट नार्को इंटरव्यू इसे आप समझिए, है इसमें वही सवाल पूछे जाने हैं जो कि कल नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की तिहाड़ जेल के अंदर अभी फिलहाल आफ्ताब अमीन पूनावाला का पोस्ट नार्को इंटरव्यू चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक ये इंटरव्यू चला जाएगा। कल जो सवाल पूछा गया है आफ्ताब से, उन्हीं सवालों को आज एक बार फिर से दोहराया जाएगा आफ्ताब के सामने, कल वाले उसके जवाब भी रखे जाएंगे। और अगर आज जो वो बोलता है उसमें कुछ भी तब्दीली है कल के नार्को टेस्ट के जवाब से इतर, तो फिर स्पष्ट सा मतलब है कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है। मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, अब ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है इसके बारे में अपडेट दर्शकों को जरा बताइए और आगे की पड़ताल किस तरह से रहने वाली है। देखिए, पोस्ट नार्को टेस्ट जो है उसमें उन सवालों को ही दोहराया जाएगा जो इस वक्त जो एक दिन पहले नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे गए थे, ताकि ये मिलान हो सके कि क्या वो एक दिन पहले नार्को टेस्ट में झूठ तो नहीं बोल रहा था या आज झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चनिंग जो है वो सिर्फ एक प्रक्रिया है और इस नार्को टेस्ट के जरिए कई ऐसे जवाब दिल्ली पुलिस को हासिल हुए हैं, क्योंकि 30 सवालों का जो जवाब उससे मांगा गया था वो सटीक थे और पुलिस को काफ़ी कुछ इन्फो इससे मिली है। क्योंकि इससे पहले जो जानकारियां तिहाड़ प्रशासन से जब जब निकलते आती थी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी में आरोपी आफ्ताब से पूछताछ की थी तो उस दौरान जो भी जवाब मिले थे वो जवाब बिल्कुल सटीक हासिल हुए हैं और नार्को टेस्ट में भी उसी सवाल का जवाब यहाँ पर पाया गया। तो दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी मजबूत यहाँ पर आधार बन रहा है और कई जगह पर रेड्स की गई हैं, कई जगह पर लोकेशन में छापेमारी की गई है जहाँ पर उसके फेंके हुए हथियार और श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन की जो ट्रेस यहाँ पर होनी थी, क्योंकि नार्को में ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन सा सबूत हासिल होता है इन्हें, तो यहाँ पर ये चीज़ें में कामयाबी मिली है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि सारी जाँच जो है धीरे धीरे चल रही है और एक साथ इन सभी सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट में अब चार्जशीट की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरी तफ्तीश चल रही है, दीपक आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए ये जो पूरी तफ्तीश चल रही है उसमें पुलिस के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आफ्ताब का जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है, क्योंकि ये वो शख्स है जो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसके कई टुकड़े कर देता है, बावजूद इसके बिल्कुल सामान्य सा दिखाई देता है। उसकी नई गर्लफ्रेंड को, उसके परिवार वालों को, उनके पड़ोसी को भनक तक नहीं लगती है कि उसके साथ रहने वाला शख्स एक हत्याकांड का आरोपी है। अब बड़ी खबर, क्योंकि व्यक्तित्व की मैंने यहाँ पर बात की है, तो बड़ी खबर ये है कि आफ्ताब जेल के अंदर तिहाड़ में जो बंद है वो शतरंज का शौकीन बताया जा रहा है और आफ्ताब ये जो शतरंज का खेल चल रहा है उसमें दोनों तरफ की चालें वो अकेले चल रहा है। अकेला बैठकर आफ्ताब शतरंज खेल रहा है, इसमें शह भी उसकी, मत भी उसकी, जीत भी उसकी, हार भी उसकी, दोनों ही तरफ की चालें आफ्ताब अकेले चल रहा है और शतरंज का शौकीन बताया जा रहा है। ये खबर इसलिए ताकि आप समझ पाए कि किस तरह का व्यक्तित्व आफ्ताब का है, अकेले रहना उसे पसंद है और कैसे उसकी जो दिमागी बातें हैं वो भी इस खेल के जरिए समझ में आ पाएगी। है बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूँ, आफ्ताब जेल के अंदर फिलहाल इस वक्त बंद है, लेकिन जो उसके दिमाग की चालें वो शतरंज के जरिए अब समझ में आ रही है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये जब अकेले आफ्ताब था उस वक्त शतरंज वो खेल रहा था, अकेले खेल रहा था, ये तमाम बातें भी जो जेल के सूत्र है उनकी तरफ से ही सामने आई है। लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि अभी पोस्ट नार्को टेस्ट आफ्ताब का फिलहाल अंदर चल रहा है और 3 बजे दोपहर तक ये टेस्ट चलना है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आफ्ताब का जो अभी तक का खेल है वो लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट में और नार्को टेस्ट में जो उसके बयान है वो लगभग एक है, लेकिन आज जब पूरे होशो आवास में आफ्ताब है तब जो वो जवाब देगा वो भी क्या नार्को टेस्ट वाले ही रहते हैं या फिर उससे अलग तो नहीं रहते हैं, ये तमाम चीज़ें अभी फिलहाल जो ऑफिसर्स की टीम अंदर गई हुई है तिहाड़ जेल के वो परखने के लिए आफ्ताब
आफ्ताब अमीन पूनावाला से सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा दीपक मेरे साथ क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं रुख करती हूँ। दीपक, आफ्ताब ने ये बताया है कि वो जानता था कि आगे वो पकड़ा जाएगा और बाकायदा भाईंदर की खाड़ियों में उसने जब मोबाइल फेंका तो वो जानता था कि श्रद्धा का मोबाइल या मैं फेंक रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज शायद उधर कहीं लगा हुआ नहीं है। मतलब सोची समझी चाल अभी तक का जितना बयान दीपक उसका सामने आया है, यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए शालिनी, सबसे बड़ी चीज़ यही कि 6 महीने के बाद इस कत्ल की गुत्थी को बाहर लाना पड़ा और इसको सुलझाने में पुलिस को काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के सबूत जो चीज़ें दिल्ली पुलिस को चाहिए थी इस जांच में, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। जैसे श्रद्धा का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसका डाटा डंप कर दिया गया था, उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन को फेंक दिया गया था, कई तरह की जानकारी, क्योंकि मुंबई में समुद्र के पास ये डाटा फेंका, मोबाइल फ़ोन फेंका गया, उसके अलावा या दिल्ली में जिस तरह से उसने जंगल में इस्तेमाल किया कि उसकी लाश के शव टुकड़े जो है अलग अलग लोकेशन में फेंके, तो ताकि वो ट्रेस ना हो सके। और पूरी प्लानिंग इसकी सामने इसलिए आई है क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया मर्डर था और दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इसकी सभी चीजें जो है सामने निकाल कर रखी जाए ताकि बाद में फ्यूचर में कोई नई चीज ना सामने आ जाए। तो इसलिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम है और इस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज भी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, डीएनए की रिपोर्ट का आना हो या फिर नार्को टेस्ट हो। तो कोशिश पुलिस की यही है कि मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए और जो चार्जशीट बनाई जाए वो इतनी ठोस हो कि इसको सजा में कम से कम ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा मिले। तो ये चीजें तभी हो पाएंगी। एक बात आप और समझाइए, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये नियमों के तहत है। अब अगर पोस्ट नार्को टेस्ट जो कि अभी अंदर तैयार के चल रहा है उसके बारे में अगर मैं समझना चाहूँ, तो क्या हर बार नार्को के बाद पोस्ट नार्को इंटरव्यू या पोस्ट नार्को टेस्ट इसी तरह से होता है जैसे अभी आफ्ताब का हो रहा है? बिल्कुल शालिनी, ये एक प्रक्रिया है नार्को टेस्ट के बाद की, क्योंकि नार्को टेस्ट के अगले दिन ही ये पोस्ट नार्को टेस्ट होता है और इस नार्को टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि नार्को टेस्ट जिस दिन हुआ था उस दिन एनेस्थीसिया का पूरा वश जो है उसमें अर्ध बेहोशी की हालत में वो मरीज या फिर जो आरोपी होता है वो होते हैं और वो उसी हालत में सवालों का जवाब देते हैं। और उसके अगले दिन पोस्ट नार्को इसलिए होता है क्योंकि उन सवालों को जो नार्को में पूछे गए थे उनका यहाँ पर मिलान होता है ताकि ये पता चल सके कि क्या वो सही बोल रहा था नार्को टेस्ट में या फिर आज झूठ बोल रहा है, या उससे मिलते जुलते सवालों की क्वेश्चनिंग जो है पोस्ट नार्को में की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी मानसिक स्थिति क्या अब सही है, क्योंकि एक दिन पहले तो वो बेहोशी अर्ध बेहोशी की हालत में जवाब देता है उस एनेस्थीसिया के प्रभाव में। तो ये पोस्ट नार्को टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों को यहां पर मिलाया जा सके और मनोस्थिति जो है उस मरीज की या फिर जो आरोपी है उसका पता लगाया जा सके। शालिनी जी।